आने के लिए मुझे आरती करनी थी। मैं आरती हूँ लेकिन मुझे आरती करे बगैर चैन नहीं पड़ता। तो मैं गाना इनका देख लूँगी और जिस तरीके से इतना खूबसूरत प्यारा सा रोमांटिक पोस्टर है तो आई एम श्योर कि गाना बहुत ही खूबसूरत होगा। एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू, ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं अभी थोड़ी देर पहले आपके सवाल के पहले यही कहना चाहती थी दैट कोई आए कि ना आए, आपने काम किया है, आपने बनाया है, आप लोगों के सामने हैं और ऑडियंस आपकी राजा है, तो कोई आए कि नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट गो विद द फ्लो, दैट्स दैट। एक्चुअली मैं बहुत पहले से ही चाहती थी कि ये बहुत जल्दी आ जाए बिकॉज मेरे को मेरे सारे मेन गेस्ट एक साथ चाहिए थे, यू नो वो फोटो में उन्होंने केक कटिंग सेरेमनी मिस कर दी तो यू नो ग्लैमर कम हो जाता है। अब एकदम बेशुमार ग्लैमर हो गया, अब कहाँ से वापस फिर यू नो वो चीज़ में। बट देन लाइक यू नो फेस्टिवल्स थे, आप आए, दैट इज़ थैंक यू सो मच। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यू नो सेलिब्रिटीज़ के बीच में खड़े रहने में अब जो मतलब वो फील आता है ना, मुझे अब पता है कि वो क्यों लोग मरते हैं उसके बीच में खड़े रहने के लिए। इट वॉज सच अ प्लेजर टू हैव यू, थैंक यू। मैं आपके लिए दोबारा गाना प्ले करवाऊंगी, आप देखिए, एंड वी वुड लव टू गेट योर व्यूज ऑन इट। श्योर। एंड आई डोंट नो, इट जस्ट फील्स अ मैजिकल ड्रीम कम ट्रू। थैंक यू। मैं थैंक्स करना चाहता हूँ मैम का, आप यहाँ पे आए, मैम हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ पे आए और हमें ब्लेसिंग्स दी। थैंक यू। माय ऑल बस अब तो कृपा होनी है, वो तो विघ्नहर्ता है, सब चीज है वो तो डेफिनेटली। आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। और आज की डेट में आई बिलीव के म्यूजिक इज द बेस्ट मीडियम टू रीच टू पीपल एंड से वॉट यू फील विद इन। और आपके एक्सप्रेशन से, आपके वीडियो से, जिस तरीके से OTT प्लेटफॉर्म्स आज की डेट में बढ़ रहे हैं और सारी की सारी जिंदगी बड़े पर्दे से हट कर 6x4 के स्क्रीन पर पहुंच गई है तो देर इज नथिंग लुकिंग बैक, एनी थिंग यू डू इज बिग, दैट्स दैट। थैंक यू। आई जस्ट वंस अगेन, आप लोगों को मैं आज एक बात बोलना चाहूँगी। कल मेरे बेटे ने मनी के माने हिते जो गाना है उसका क्लब मिक्स बनाया है एंड मुझे पता है कि म्यूजिक क्या होता है बिकॉज आई एम मदर ऑफ जावेद सर इज नॉट फीलिंग वेल एंड ही स्टिल केम बिकॉज आई डोंट नो। थैंक यू सो मच, आई इट रियली मींस अ लॉट। मैं इसीलिए गायब थी वहां पे, मैं उनको बोल रही थी मुझे गाना सुन के मेरी तबीयत ठीक हो मगर ये मुझसे बता रहे थे कि गाना सुनने के बाद उनको काफी आराम हुआ है। तो गाना 50 बार और दबा प्ले किया जाए। एंड दानिश वॉज ऑल्सो इन रिकॉर्डिंग एंड ही रोट टू अस दैट भाई मैं रिकॉर्डिंग में वॉइस नोट भेज कर आज वो आए हैं और हमारे सामने उतरे। इट वॉज सच अ प्लेजर टू हैव टू शेयर स्क्रीन विथ यू पीपल। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। Thank you.
मेरे दिमाग में आया था सबसे पहले कि मेरे को एक सॉन्ग ऐसा प्रोड्यूस करना है एंड वी वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट इन अ वेरी डिफरेंट वे, जहाँ पे पब्लिक लोग को ऐसा लगना चाहिए कि यू नो कि एक डेली लाइफस्टाइल जो एक इंसान जी रहा है, जो चीज़ें वो करता है, वो चीज़ें हमें डिपिक्ट करके बताना था। जॉनर सॉन्ग का बहुत नेगेटिव जॉनर है, बट आजकल जैसे आप जानते हैं कि पीपल आर गोइंग थ्रू हार्ट ब्रेक्स, पीपल आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ चीटिंग्स एंड वी हैव सीन इमेंस डेथ्स एंड ऑल। सो मुझे उसको एक बहुत ही खूबसूरत वे में, एक म्यूजिकल वे में यू नो प्रेजेंट करना था। सो मंदीप इज़ अ वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई वॉन्टेड हिम टू प्ले द रोल ऑफ द गाय फॉर लॉट ऑफ रीजन्स। तो मंदीप को पूछा, गाना सुनाया, उसको बहुत पसंद आया। फाइनली फिर डायरेक्टर को गाना सुनाया, दैट इज़ प्रवीण। प्रवीण को तो गाना बहुत ज़्यादा पसंद है, कॉन्सेप्ट तो उससे एकदम रिलेटेड था। सो आई थिंक दैट इज़ द मेन रीज़न दैट द एक्सपीरियंस ऑफ दिस सॉन्ग वॉज समथिंग दैट हम सब ने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में। सो इट वॉज वेरी पर्सनल टू अस। और उसको शूट करने में आई थिंक लॉकडाउन में काफ़ी तकलीफ हुई, लेकिन आई थिंक इट वॉज मेंट टू हैपन। तो जैसा भी हुआ, आज रिजल्ट आप लोगों के सामने है। थिंक बहुत जल्द आप लोग को दोबारा आना पड़ेगा। या एक्चुअली सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे मन में जी म्यूजिक पहले से ही था। मतलब आप लेबल्स का नाम ले लो, लोगों ने बोला तुम टी पे क्यों नहीं कर रहे हो, तुम ये क्यों नहीं कर, पता नहीं एक जी से कनेक्शन था। एंड वी हैड अ लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स वर्किंग विन जी ऑल्सो, उन्होंने भी बोला कि जी विल गिव यू अ गुड दिस थिंग। एंड जी म्यूजिक हैज़ बीन अ डार्लिंग टू अस। मतलब सीरियसली जितना मेहनत हमें कोई और लेबल के लिए करना पड़ा, उससे हार्डली कुछ करना पड़ा, दे वर रियली वेरी सपोर्टिव टू अस। उन लोगों ने हम लोग को इतने कम टाइम में, दो डेट चेंज के बाद उन्होंने हमें और एक थर्ड डेट दिया है बिकॉज ऑफ आर इशूज़। एंड आई थिंक आई वुड लव टू गेट एसोसिएटेड विद जी वेरी सून, वेरी सून। मतलब मैं साइन होना चाहती हूँ जी के। एक्चुअली पीजे, इसका एक्चुअली बहुत अच्छा स्टोरी है इसके पीछे। मुझे लगता है कि म्यूजिक रिलीज हुआ है तो जी म्यूजिक को मैं बहुत बधाई देता हूँ, जो ऐसा टैलेंटेड, अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे कि हमारे इंडिया के फवाद खान, अब हमें कहीं से पाकिस्तान से कलाकारों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास में खुद के ज़बरदस्त कलाकार हैं। एंड इन्होंने इतना बढ़िया अभिनय तो किया, लेकिन उनके बारे में जो इन्होंने, आप लोग शायद जानते नहीं होंगे, ये 16 भाषाएं बोल सकती है। अनुज जी ने गाया था ना कि 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, 16 भाषाओं वाली टैलेंटेड एक्ट्रेस को सलाम। तो जी वालों को मैं बधाई देता हूँ कि टैलेंटेड कलाकारों को कंबाइन करके, यूनाइटेड करके ये बहुत ही प्यारा एल्बम आ रहा है। अब हम सब लोग थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, कोरोना कोरोना कोरोना, दर्द दर्द परेशानी, अब हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, अब हमें अच्छे अच्छे गाने चाहिए, अच्छी अच्छी फिल्में चाहिए। अच्छी फिल्मों की शुरुआत हो चुकी है, एक फिल्म आई थी लॉकडाउन टू अनलॉक शिमा रोमी पर, जिसमें दिलीप जी ने भी एक्टिंग की है, वहाँ से गणेश आचार्य जी भी है। तो लॉकडाउन टू अनलॉक ये मेरी फिल्म है, तो शिमा रोमी पर, तो अब अच्छी चीज़ की शुरुआत हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि गणपति बापा जो है सब पे कृपा कृपा बरसाए। मैंने सुना कि सोनू सूद साहब भी गणपति बापा, सोनू सूद साहब के घर पर भी गणपति बापा आए हैं, और बापा सोनू सूद से कह रहे हैं कि बेटा विसर्जन में मुझे घर तक पहुँचा देना टैक्सी। तो ये इतना अच्छा माहौल बना हुआ है, और अब एक पॉजिटिव वेव जारी, और ये थर्ड वेव नहीं आएगी, पॉजिटिव वेव आएगी। और ये गाना मुझे ऐसा लगता है, वीडियो देखने के बाद और मेलोडीज़ देखने के बाद, अभी दिलीप जी से मेरी बात हो रही थी कि बहुत दिनों के बाद एक मेलोडीज़ गाना आया है, और इस गाने को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। सुपर हिट है। सो आप सब जियो हजारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, कोरोना वन और कोरोना टू से अपना खुद को संभाल, और क्योंकि आप सब हो इस प्यारे से एल्बम के लाल, तो दुआओं से रहो मालामाल, यही तेजी से दुआ दे रहा सुनील पाल। गॉड ब्लेस यू ऑल।